नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि शिवलिंग जो है कि हमें अपने घर में रखना चाहिए या नहीं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों अक्सर आपने जो है कि सुना होगा लोगों को कहते हुए कि जो शिवलिंग जो है कि घर में नहीं रखना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि रख सकते हैं। तो इससे जो है कि दोस्तों मन में एक शंका सी रहती है कई लोगों के मन में। दोस्तों मैं आज आपको जो है कि बताऊँगा इस वीडियो में। दोस्तों जो शिवलिंग है अगर आप रखना चाहते हैं अपने घर में तो आप जो है कि बेशक बिल्कुल रख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस ये कि जो शिवलिंग है उसका जो आकार है वो जो है कि छोटा होना चाहिए, मतलब कि आपके हाथ में बस इतना बड़ा, इससे ज़्यादा बड़ा जो बड़ा जो है कि शिवलिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा दोस्तों कि शिवलिंग को जो है कि अगर आप पूजा रूम में रखते हैं तो डेली जो है कि उस पर जल धारें और जो कि डेली जो है कि पूजा करें शिवलिंग की। ऐसा ना हो कि आपने उसको रख दिया और आप जो है कि पूजा नहीं कर रहे हैं, जल नहीं ढार रहे उस पर। ऐसे में जो है कि दोस्तों आपको जो है कि नकारात्मक प्रभाव जो कि देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों शिवलिंग में से जो है कि एक प्रकार की जो है कि ऊर्जा से जो है कि निकलते रहती है और उस ऊर्जा को शीतल करने के लिए जो है कि डेली जो है कि उसको जो है कि जल ढालना चाहिए। इससे जो है कि क्या होगा कि आपका जो शंकर जी आप प्रसन्न रहेंगे, आपको जो कि मनोवांछित जो है कि आपको फल मिलेगा। और दोस्तों कहा जाता है कि शिवलिंग जो है कि खुले में जो कि रखना चाहिए, बंद घर में जो कि नहीं रखना चाहिए। तो आप चाहे तो छत पर भी जो कि रख सकते हैं, छत पर जो कि सही जगह हो जो है और उत्तर की ओर मुँह करके रखना चाहिए और वहाँ पर जो कि आप जो है कि डेली जो कि जल ढाल सकते हैं। अगर छत पे ऐसी कोई जगह नहीं है तो आप अपने पूजा रूम में जो कि रख सकते हैं उसे जो है। बस यह है कि डेली जो है कि आप उस पर जल ढारिए, प्रसाद जो मुझे पूजा आप करते हैं शिवलिंग की वह पूजा कीजिए। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि शिवलिंग अगर आप अपने घर में रखते हैं तो डेली जो है उनकी शिवलिंग की जो सेवा कीजिए, मतलब कि जल ढारिए और जो प्रसाद हो चढ़ाते हैं उसकी वो चढ़ाइए, मतलब पूजा जो कि करते रहिए। तो इससे कोई दिक्कत नहीं और आपको अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। बस जो कि ये ध्यान में रखिएगा जो शिवलिंग जो है कि वो छोटे आकार में हो, आपके हाथ के अंदर आ जाए, बस इतना बड़ा ही शिवलिंग हो। बड़ा शिवलिंग जो कि भूल कर भी जो है कि मत लाइए अपने घर में। तो दोस्तों और दोस्तों बस आपको बताना चाहूँगा कि शिवलिंग अगर आप छत पर रखते हैं, तुलसी जी के अगर आप जो कि गमले में रखना चाहते हैं तो भूल के भी जो है कि तुलसी जी के जो गमले में जो कि ना रखिए, ठीक है। दोस्तों तुलसी जी के गमले में शालिग्राम जी को रखा जाता है, शिवलिंग जो है कि नहीं रखा जाता है, इसलिए भूल के मत रखिए। बाकी आप जो है कि और जगह जो है कि रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।